आज आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आगरा के कागरौल क्षेत्र में एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश होकर खाली खेतों में गिर पड़ा। बता दें कि जमीन पर यहां पर बता दें कि फाइटर प्लेन ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी। सैनिक अभ्यास के लिए ये MiG-29 विमान आगरा आ रहा था। पायलट और सह पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही यहां पर ये गिरा, तुरंत वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों और साथ ही ग्रामीणों की भीड़ जुटना शुरू हो गई और वहां पर आग बुझाने की तैयार किया जा रहा था और साथ ही साथ फोर्स भी भारी मात्रा में वहां पहुंच गया और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों की और लोगों की यहां पर भीड़ नजर आ रही है। पूरे क्षेत्र को यहां पर अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भयंकर हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये विमान आसमान में ही आग का गोला बन गया था और जैसे ही जमीन पर गिरा, इसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की सूचना मिलते ही यहां पर जितने भी ग्रामीण थे आसपास के वहां पर जुटना शुरू हो गए और भारी मात्रा में वहां फोर्स भी पहुंच गया। बता दें कि इस विमान में दो लोगों के होने की बताई जा रही है। पायलट और सह पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई थी और सैनिक अभ्यास के लिए ये आगरा आ रहा था। फाइटर प्लेन ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी जो कि सैनिक अभ्यास के लिए आगरा आ रहा था। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय, क्या कुछ कहना है इस हादसे पर प्रत्यक्षदर्शियों का? जब ये विमान गिरा तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या कह रहे हैं इस हादसे पर? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि ये आदमपुर, पंजाब के आदमपुर से रूटीन उड़ान भरी थी, ये अभ्यास के लिए आगरा आ रहा था विमान, जिसमें पायलट और उनके सह पायलट सवार थे। जब वो आगरा की सीमा में घुसते ही जब पायलट में तकनीकी खराबी आई तो इन जो पायलट को ये पता चला कि ये हादसा हो सकता है, तो उन्होंने सुरक्षित जगह तलाशी जिससे कोई जनहानि ना हो और जहां खाली खेत दिखे वहां इस पायलट को उन्होंने उतारने का प्रयास किया और दोनों ने ही पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई और खाली स्थान पर ये प्लेन गिरा। MiG-29 फाइटर जेट ये गिरा है जो भारतीय वायुसेना का एक तरीके से नुकसान है। रूटीन उड़ान इसने पंजाब के आदमपुर से भरी थी और ये ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए आगरा ये विमान आ रहा था। ये बड़ा हादसा है। भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर तकनीकी खराबी कैसे आई। अब प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि ये विमान में ऊपर ही आग लग गई थी, आग का गोला था, ये आबादी के ऊपर ये विमान मंडरा रहा था, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते खाली खेतों में ये विमान उतारने का प्रयास किया और जमीन पर आते ही ये प्लेन क्रैश हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में पूरे विमान में आग लगी हुई है और जैसे ही ये विमान गिरा तो आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और एयरफोर्स और COD से तत्काल वहां जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंची, उन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारी वहां तुरंत वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इससे जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच टीम वहां नियुक्त कर दी गई है। IAF ने जो बयान जारी किया, उन्होंने पायलट के इसके लिए पीठ थपथपाई है कि उन्होंने कोई जनहानि नहीं हुई और ये राहत की बात है क्योंकि आबादी के ऊपर जब ये प्लेन उड़ रहा था फाइटर MiG-29 तो अगर ये घरों पर गिरता तो जनहानि हो सकती थी। पायलट की सूझबूझ के चलते ये खेतों में उतारा गया, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए। फिलहाल जांच जारी है आखिर ये तकनीकी खराबी आई कैसे। MiG-29 के क्रैश होने का ये पहला मामला नहीं है। अभी 2 सितंबर को ही एक MiG-29 क्रैश हुआ था और तब भी तकनीकी खराबी के चलते विमान क्रैश हुआ था। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, दोनों पायलट उसमें से सुरक्षित हैं, ये गनीमत की बात रही। इसके साथ ही ये जो फाइटर प्लेन
आबादी के ऊपर नहीं गिरा, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये फाइटर जेट MiG-29 क्रैश होने से भारतीय वायुसेना को एक नुकसान जरूर हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। अगर ये तकनीकी खराबी थी तो ये विमान उड़ा क्यों, उड़ा कैसे, और अगर बीच में तकनीकी खराबी आई थी तो पायलट ने किन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उसे ऐसी जगह क्रैश कराया जहां जनहानि होने से बची, और इसके साथ ही पायलट और सह पायलट दोनों भी बच गए। जी बिल्कुल विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आगरा में आज एक बड़ा हादसा हुआ, यहाँ एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश हो गया। गनीमत यहाँ ये रही कि पायलट और सह पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए विमान को ऐसी जगह पर क्रैश कराया जहाँ पर आबादी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। बता दें कि ये प्लेन पंजाब के आदमपुर से आ रहा था और सैनिक अभ्यास के लिए ये आगरा आ रहा था। बता दें कि पायलट और सह पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई, और इस हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्पष्ट रूप से तो तभी पता चलेगा कि जब जांच होगी, और उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि आखिर ये तकनीकी खराबी आई कैसे, और अगर आई तो किन विषम परिस्थितियों में पायलट ने इस विमान को क्रैश किया।